Subscribe for more videos. डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नितिन एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑप्टिक्स सीरीज जो है वो कंटिन्यू की हुई है, और ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर हम नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड है बच्चों, या फिर आपके कॉम्पिटिशन रिलेटेड है, उस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझ चुके हैं, और उसकी वीडियो जो है आप मेरी ऑप्टिक्स की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं आपके पास लेकर आया हूं, वो क्या लेकर आया हूं, मैं आपके लिए लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है बच्चों, चाहे वो कनकेव लेंस हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे प्लेनो कनकेव या प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो, या फिर लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स है बच्चों, ठीक है। लेवल 1 से लेके हम लेवल 10 तक के जितने हमारे जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है बच्चों, आज वो हम करने जा रहे हैं। तो ज्यादा टाइम लेते हुए आज का चलो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इसमें देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिस टू अ पॉइंट पी, अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, इफ द लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में पूछा है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, हमें यह दिया हुआ है कि एक बीम है, ठीक है, वो कन्वर्ज हो रही है किसी भी एक पॉइंट पर। हमने मान लिया कि वो पॉइंट हमें क्या गिवन है बच्चों, पी पॉइंट गिवन है। तो आपको पता है कि ये बीम कुछ इस तरह से कन्वर्ज हो रही होगी, कन्वर्ज मतलब कहीं पर ये जो लाइट है बच्चों, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पी पॉइंट से हमने क्या किया बच्चों, इस पी पॉइंट से हमने क्या रख दिया, एक कन्वेक्स लेंस रख दिया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड, ठीक है, और ये जो कन्वेक्स लेंस बच्चों हमने रखा, वो हमने रख दिया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो जरा सोच के देखना, जब ये कन्वेक्स लेंस नहीं था तो ये रेस कन्वर्ज होकर कहां मिल रही थी, पी पॉइंट पर मिल रही थी। तो पर जैसे ही हमने कन्वेक्स लेंस को रख दिया, तो इसका मतलब बच्चों जो रेस जो है अब वो पी पॉइंट पे तो मिलने से रही, अब वो कहीं और मिलेगी, और वो कहां मिलेगी यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है बात। अब इस चीज को जरा समझना, जब ये कन्वेक्स लेंस नहीं था तो ये रेस कहां मिल रही थी, पी पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या चीज है, जैसे ही कन्वेक्स लेंस था तो इस पॉइंट पे जो इमेज बन रही थी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब इस कन्वेक्स लेंस ने इस पी पॉइंट पे जो इमेज बन रही थी उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया। तो इसका मतलब पी जो पॉइंट है बच्चों, वो इस कन्वेक्स लेंस के लिए कैसा काम कर रहा होगा, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्वेश्चन को हम यहां से पढ़े तो इनडायरेक्ट वे में बच्चों हमें क्या गिवन था, हमें यू गिवन था। तो देखिए यहां पर आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो यू गिवन हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें फोकल लेंथ गिवन है बच्चों इसकी, और ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ हमें गिवन है बच्चों 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वी। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यू वी एफ के बीच में एक ही रिलेशन है बच्चों, वो कौन सा है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करेंगे कि वो प्लस रख देते हैं, याद रखना बच्चों कौन सा फॉर्मूला है, प्लस वाला मैंने आपको बताया था, कैसे याद रखना है, वो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होगा, बट हमें यहां पर क्या अप्लाई करना है, लेंस फॉर्मूला। तो 1/v 1/f प्लस 1/u। तो देखिए हमें पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैंने एफ की जगह रख दिया बच्चों पॉजिटिव, प्लस 20 प्लस 1/u। हमें पता है कि u कहां पर रहा है, राइट साइड, और राइट साइड हम क्या लेंगे, बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे, और कितना गिवन है बच्चों, 12 गिवन है, ठीक है। अब हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां पर बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया एलसीएम। तो ये हो गया 3 और ये हो गया बच्चों 5, मतलब 8/60, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, 2/15, या फिर सिंपली बोले कि v हमारा आ गया 15/2, या फिर प्लस 7.5 सेंटीमीटर। तो इससे आप क्या समझोगे, ये जो प्लस 7.5 सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब क्या है,
कि अगर जब ये कन्वेक्स लेंस नहीं था तो रेस कन्वर्ज होकर मिल रही थी पी पे, बट जैसे ही कन्वेक्स लेंस रख दिया तो इस कन्वेक्स लेंस ने इस, ये देखो ये तो हमारे पास क्या था बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये कितना 12 सेंटीमीटर, और जबकि जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बन रही है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं बन रही होगी। तो इसका मतलब इस जो कन्वेक्स लेंस ने इसको कन्वर्ज कर दिया और अब जो हमारी फाइनल इमेज बनी बच्चों वो कहां बनी है, यहां पर बनी है इस आई पॉइंट पर, ठीक है, और ये आई पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते रहो, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि अगर हम ये कन्वेक्स लेंस की जगह बच्चों अगर हम कनकेव लेंस लगा दें और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो देखो क्या होगा, देखो फिर दोबारा वही केस है, ठीक है, यहां पर हमारे पास जब लेंस नहीं लगाया था तो इस पी पॉइंट पे रेस क्या हो रही थी बच्चों, कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है, यहां पर रेस क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, बट जैसी हमने कन्वेक्स लेंस यहां पर, सॉरी आप यहां पर क्या लगाना है, कनकेव लेंस, तो जैसी हमने कनकेव लेंस लगाया तो कह रहा है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है जी। अब हमें पता है कि पी पर तो मिलने से रही और हमें इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो देखते हैं, चलो निकालते हैं इसको भी, सेम फॉर्मूला हमने लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, यहां तक तो हमारे पास कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, सेम एज इट इज रहेगा, क्लियर है बात आपको। अब उसके बाद देखो, हमें पता है कि बाय कन्वेंशन कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या लेनी है, माइनस में लेनी है, तो इसका मतलब मैं यहां पर एफ की जगह क्या रखूंगा बच्चों, माइनस 16 प्लस 1/u, क्योंकि हमारे पास पता है कि p कैसा काम करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना दिया यहां पर 12 दिया, तो उसको तो प्लस ही लेंगे क्योंकि राइट साइड में आ रहा है, तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, 1/12 और ये हो गया माइनस 1/16, तो बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 48 आ रहा है, तो 48 एलसीएम आ गया, ये हो गया 12 4 48 और ये हो गया 16 3 48, तो इसका मतलब ये आ गया 1/48, या फिर सिंपली बोले कि v कितना आ गया बच्चों प्लस 48 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो कि जो फाइनल इमेज है बच्चों वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड बन रही है कितने सेंटीमीटर पे, 48 सेंटीमीटर पे, देखो ये तो 12 था और इसका मतलब ये जो रेज है यहां तक तो जाकर यहां से कुछ यहां पर डाइवर्ज होगी, ठीक है, और ये यहां पर मिल रही है बच्चों, ये आपने इसको ऐसे कुछ दिखा देना डायग्राम को, ठीक है, और ये आपकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से 48 सेंटीमीटर पे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का हमने देखा है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हमें लेंस पता होना चाहिए, ठीक है, एक बार मैं आपको इसका प्रोसीजर समझा दूंगा कि कैसे करना है, और फिर देखना कि ऐसे क्वेश्चन हमें जो देखने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं एक्चुअली में वो काफी इजी होते हैं, हम फ्री के 5 नंबर हमें मिल जाते हैं क्योंकि 5 नंबर से ये कम कभी नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमें लेंस दिखाई दे रहा है, कन्वेक्स लेंस है, ये भी कन्वेक्स लेंस है, और ये हमारे पास क्या है, प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी पहले जो है लेक्चर्स में कराई हुई है, आप उसको देख सकते हैं बच्चों। देखिए ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारे पास कैसी है, कनकेव है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्लेनो कनकेव। अब देखो ये फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ गिवन है प्लस 30 सेंटीमीटर और ये कनकेव है, इसलिए इसका यहां पर क्या दे दिया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पहला लेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो लेंस गिवन है बच्चों उनकी नेमिंग कर देते हैं। देखिए ये लेंस हो गया L1, ये लेंस हो गया बच्चों L2 और ये लेंस हो गया L3। पहले लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और दूसरे लेंस, पहले और दूसरे लेंस के बीच का है 5 सेंटीमीटर और L2 और L3 जो तीसरा लेंस है बच्चों और दूसरा लेंस है उसके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक एक लेंस को स्टार्ट कर दो और लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आप देखोगे आपको फाइनल जो है इमेज वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी बच्चों। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4 लेंस L1, तो L1 के लिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो L1 के लिए जो जो डाटा गिवन है उसको लिख देते हैं। देखो क्या गिवन हमें, फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ को क्या लेता हूं मैं 10 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, देखो हमें क्या पता है बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है
तो इसको मैं लिखता हूं U1 कितना लिखना है 30 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि इससे हम क्या निकाल पाएंगे, हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके V1 निकाल पाएंगे। तो देखो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लेंस L1 के लिए, तो 1/F1 = 1/V1 - 1/U1। तो देखिए बच्चों डाटा पुट करते हैं, तो हमें क्या करना है 1/V1 निकालना है, 1/F1 + 1/U1। तो देखिए बच्चों 1/F1 कितना गिवन है +10, और हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट राइट डिस्टेंस क्या है नेगेटिव लेना है, तो इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा -U1 की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें -30। ठीक है, ध्यान रखिए। अब सिंपल है, इसका एलसीएम लेना है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 30 आ गया, तो ये हो गया 3 - 1 इट मींस 2/30, और 2/30 कितना होता है बच्चों 1/15, मतलब V1 की वैल्यू आ गई +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके मतलब जो लेंस L1 है बच्चों वो इमेज जो बना रहा होगा वो कहां बना रहा होगा 15 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब जरा सोचकर देखा यहां से कि यहां से रे गई, ठीक है, जो यहां से रे गई बच्चों, ये जब रेस यहां से जाने के बाद कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रही होंगी, तो वो कहां कन्वर्ज हो रही होंगी 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां से जाकर कहीं यहां पर मिल रही होंगी। देखो 5 और 10 यहां 15 बना ना, तो यहां पर ये मिल रही होंगी जाकर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या चीज है, अगर मैं आप लेंस 2 पर क्या अप्लाई करता हूं लेंस फॉर्मूला, तो सिमिलरली यहां पर लिख देता हूं मैं अप्लाई लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L2। अब हम देखते हैं कि लेंस L2 के लिए हमें क्या क्या डाटा गिवन है बच्चों। तो देखिए हमें F2 गिवन है, F2 गिवन है कितना -10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, हमें V2 निकालना है कि लेंस L2 कहां इमेज बना रहा होगा। अब U2 को जरा ध्यान से देखिए, इधर देखिए, देखो इन दोनों के लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, और लेंस L1 कहां इमेज बना रहा है बच्चों 15 पे, तो जब यहां से लाइट जा रही होगी तो यहां पर कहां जाएगी होगी 15। ठीक है, और 5 ऑलरेडी ले रहा, तो इसका मतलब 15 - 5 कितना है हमारे पास, तो इस लेंस के लिए जो रेज जो बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, मतलब इस ये जो लेंस 2 है, इस लेंस 2 के लिए V1 कैसा काम करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और हमें पता है कि इस लेंस और इस लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, और यहां पर कितना बन रहा है 15, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रह गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब U2 जो है मेरा वो क्या रहे, क्या लिखेंगे उसको यहां पर 10 सेंटीमीटर, 15 - 5 मीन्स 10 सेंटीमीटर। बस आप सिंपल दोबारा लेंस फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं, तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है 1/F2 = 1/V2 - 1/U2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट V2। तो V2 कितना आ जाएगा यहां से देखो 1/F2, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जाए बच्चों, और 1/F2, तो देखो F2 कितना बच्चों -10 लेना है, क्यों, क्योंकि कंकेव है, प्लेन ऑफ कंकेव, और प्लेन ऑफ कंकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, अगर यहां पर 10 भी दिया हो तब भी आपने नेगेटिव लेना है बच्चों, याद रखना क्योंकि कंकेव है हमारे पास। प्लस हमें पता है कि U2 क्या लेंगे बच्चों पॉजिटिव लेंगे क्योंकि राइट साइड में बन रहा है, और U2 पॉजिटिव कितना आएगा बच्चों 10, तो आपको पता है कि ये जब एलसीएम लेंगे बच्चों 10, तो समथिंग बाय 0 कितना आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, तो इसका मतलब V2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब L2 से जो रेज निकलकर जाएंगी बच्चों वो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, किसके लिए बच्चों L3 के लिए। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार बोलता हूं कि 5 नंबर से कम नहीं आएगा, जैसे ही L2 से रेज निकलेंगी वो कहां जाके मिलेंगी इन्फिनिटी पे मिलेंगी, और इन्फिनिटी पे मिलेंगी जो इमेज बच्चों क्या बनेगी रियल बनेगी। तो जरा सोच के देखो यहां से रेस पैरेलल जा रही है, और पैरेलल जाके जब भी इसमें रेस पैरेलल पड़ेंगी, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है L3 के लिए बच्चों इन्फिनिटी पे है। तो अब यहां पर हम थर्ड के लिए कर लेते हैं, तो फॉर लेंस L3, तो L3 के लिए देखो हमें क्या गिवन है बच्चों फोकल लेंथ गिवन है कितनी 30 सेंटीमीटर, V3 निकालना है हमें, और U3 जो है बच्चों वो क्या लेंगे हम इन्फिनिटी लेंगे। दोबारा ये वैल्यू पुट करते हैं एंड यू विल गेट दी आंसर। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो 1/F3 = 1/V3 - 1/U3, तो यहां पर देखो बच्चों 1/V3 निकालना हमें = 1/F3 + 1/U3। तो देखो 1/F3 कितना गिवन हमें 30 गिवन है, और हमें पता है ये 1/∞ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब V3 जो है बच्चों वो कितना आने वाला है +30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमारी जो फाइनल इमेज बन रही होगी बच्चों वो फाइनल इमेज कहां बन रही होगी इसके फोकस
पे बन रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें फोकल लेंथ जो है बच्चों वो गिवन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूं कि करना कैसे है। बेसिकली आपको स्टेप्स याद रखने बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो सबसे पहले तो नेमिंग कर दो बच्चों, ये लेंस जितने लेंस गिवन होगा नाम रख दो L1 L2 L3। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है हर एक लेंस को अप्लाई करो और उसके साथ साथ जो उसका लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, डाटा पक्का गिवन होगा। कई बार आपको क्या होता है कि जैसे हमें यहां से गिवन था डाटा बच्चों, और कई बार आपको क्या दिया होता है कि इमेज यहां बन रही है, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। आपको बता देगा कि इमेज यहां बन रही है मतलब वी गिवन है और एफ गिवन है, तो यू निकालना पड़ता है, फिर यू निकालकर फिर हमें उल्टा चलना पड़ेगा मतलब, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपको डाटा ऐसे दे सकता है और डाटा इस तरीके से दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन समझ आ गया तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान सुनना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन। तो बच्चों इसके अंदर हमें क्या गिवन है, आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक हमें कन्वेक्स लेंस गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कनकेव लेंस गिवन है फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, और एक कन्वेक्स लेंस गिवन है बच्चों उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, और सेकंड और थर्ड लेंस के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और फर्स्ट लेंस से जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ बच्चों कहां पड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर में। तो उम्मीद करूंगा कि जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियोस थे मेरे उसमें भी, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता हूं, तो जैसा कि आपने उनमें सही आंसर दिया है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आप बिल्कुल सही देंगे। ये सेम क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके लिए काफी ईजी है। तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर की, ठीक है बच्चों। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार स्टेटमेंट आपके लिए रीड कर देता हूं। A convex lens of focal length 20 cm is placed coaxially with the convex mirror of radius of curvature 20 cm. The two are kept 15 cm apart from each other. A point object is placed 60 cm in front of a convex lens. Draw a ray diagram to show the formation of the image by the combination. Determine the nature and the position of the image formed. तो बच्चों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रोसीजर पे बेस्ड है, बट यहां पर थोड़ा अप्रोच हमारी डिफरेंट रहने वाली है। वो क्यों रहने वाली है बच्चों, उसी को हम थोड़ा समझते हैं। देखो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और इस कन्वेक्स लेंस की बच्चों जो फोकल लेंथ हमें गिवन है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है फोकल लेंथ किसकी, लेंस की, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसी के कोएक्सिली, कोएक्सिली मतलब इसी की जो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर बच्चों एक कुछ डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों हमें कितना गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मिरर कौन सा है बच्चों, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया होल, और हमें गिवन है बच्चों कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब हमें फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर गिवन है लेंस की, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। और देखिए डाटा हमें क्या गिवन है, यहां पर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो बच्चों ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो लेंस से 60 सेंटीमीटर पे है, 60 सेंटीमीटर। और हमसे ये पूछा बच्चों कि जो फाइनल इमेज है वो कहां बनने वाली है। देखो ये डाटा गिवन है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, रे डायग्राम भी बनाते हैं साथ साथ। सबसे पहले हम देखिए लेंस में, तो फोर लेंस, तो लेंस के लिए क्या क्या डाटा गिवन है बच्चों उसको नोट करते हैं। हमें एफ एल गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमें यू एल गिवन है बच्चों, UL मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के लिए बेटा 60 सेंटीमीटर, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, VL निकाल सकते हैं कि ये इमेज कहां बनाना होगा। तो देखिए ध्यान से, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/FL इज इक्वल टू 1/VL माइनस 1/UL। हमें निकालना है बच्चों 1/VL, तो 1/VL कितना हो जाएगा, 1/FL प्लस 1/UL, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों क्या करने जा रहे हैं, तो 1/FL फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें,
20 प्लस लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस है बच्चों, प्लस 1 बाय यूएल, अब यूएल क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, तो ये हो गया माइनस 60। अब यहां पर बच्चों एलसीएम लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आ गया हमारे पास 60 आ गया, तो ये आ गया 3 माइनस 1 2 बाय 60, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वी एल आया है हमारे पास आया है प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो रेज जा रही है बच्चों, जब वो कन्वर्ज होंगी तो वो कहां मिलने वाली है हमारे पास, वो 30 सेंटीमीटर पे, 15 ये रहा और 15 यहीं कहीं होगा इसका, यहां पर लगाते हैं, चलो ये मार्क कर देते हैं, मतलब यहां पर हमारे पास क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। ठीक है, इसका नाम लेते हैं आई वन। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मिरर से आर पार तो लाइट नहीं जा सकती, तो ये हमने ये ऐसा शो कर दिया इसको। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि क्या करा हमने। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो इसका मतलब अगर मैं मिरर के पास जाऊं तो मिरर बेसिकली क्या है बेटा, मिरर के लिए डाटा क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पर फॉर मिरर, तो मिरर के लिए देखें अगर हम, तो मिरर के लिए जो आई वन है बच्चों वो क्या कर रहा है, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे मिरर के लिए क्या गिवन है बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बच्चों वो कितना गिवन है मिरर के लिए, यू एम कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, ये तो क्या 15, ये 30 बन रहा है, तो इसका ये भी कितना होगा बच्चों 15 होगा, तो राइट साइड में बढ़ रहा, तो चलो उसको अब तो 15 सेंटीमीटर लेते हैं। और हमें क्या फोकल लेंथ गिवन है मिरर की, आंसर इज यस, क्योंकि आपने पता है मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है बच्चों, आर बाय टू, तो ये गिवन है 20/2, इट मीन 10 सेंटीमीटर। और यहां से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, वी एम निकाल सकते हैं कि जो मिरर है उसकी फाइनल इमेज कहां बन रही होगी, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर के लिए क्या अप्लाई करना है, याद रखना मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/fm इज इक्वल टू 1/vm प्लस 1/um। हमें निकालना है वीएम, तो वीएम निकालते हैं, तो 1/vm इज इक्वल टू 1/fm माइनस 1/um, तो 1/fm राइट साइड में है, तो बेटा कितना लेंगे हम इसको, प्लस 10 माइनस 1/um, um कितना गिवन है 15, ये भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कहां पर है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट साइड में। तो सिंपली इसका देखो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो बेटा 30 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस 2 1/30, तो इसका मतलब जो मिरर इमेज बना रहा है बच्चों वो कहां बना रहा है, प्लस 30 सेंटीमीटर। और प्लस 30 सेंटीमीटर कहां होगा, देखो 15 तो ये रहा, हमने अभी निकाला बच्चों, तो इसका डबल कर देते हैं, तो मतलब यहां कहीं हमारे पास जो है फाइनल इमेज बन रही होगी बच्चों, फाइनल इमेज बन रही होगी हमारे पास 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल। तो ये कुछ थोड़ा सा इसको मार्कर जो है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से बन रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, रे डायग्राम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन को जरा इसको दोबारा बताता हूं आपको, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था बच्चों, एक तो रे डायग्राम पूछी थी, यहां से जब हमारे पास रे गई तो मिरर से आर पार रे नहीं जाती बच्चों, ये ध्यान रखना। तो जब ये रे गई तो ये रे अगर मिरर ना होता तो रे कहां मिलती, आई वन पर मिलती, और आई वन कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, 50 सेंटीमीटर पे, हमने यहां से निकाला क्योंकि 15 है, और 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। उसके बाद पर मिरर पे आने से बच्चों क्या होगा कि जो फाइनल इमेज बन रही होगी वो आई वन पर ना बनकर कहां बन रही होगी, आई पे बन रही होगी। और ठीक है, और तो ये रेस कुछ ऐसे जाकर बच्चों ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, या कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आया बच्चों प्लस टू की फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो बच्चों आप उसका भी जो है आप डाउट जो भी है वो लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट
ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस. लोकेट द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो वो क्वेश्चन भी आपसे जरूर निकलेगा, ठीक है. और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. और बच्चों ये मैं आपको श्योर करता हूं कि ये 5 क्वेश्चन के अलावा इस पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता. मैंने अपना जो है बेस्ट दिया है, मतलब आपको हर एक जो टॉपिक, ठीक है, इजी से इजी समझाने की कोशिश करी है और हर एक टॉपिक को बच्चों या हर एक क्वेश्चन को कंसेप्चुअली लिया है, ठीक है. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना. थैंक यू वेरी मच.